अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एमएस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिज़िक्स। आज हमारे पास है एमसीक्यू सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है हमारे पास, और आज के हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो हमारे पास रिलेटेड है फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे पास एमसीक्यूज़। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या है। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है विस्कोसिटी रेफर्स टू, तो हमारे पास विस्कोसिटी इन फ्लूइड रेफर्स टू ऑप्शन ए द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड, द टेंजेंशियल फोर्स एक्सर्टेड ऑन सॉलिड सरफेस बाय द फ्लोइंग फ्लूइड, और द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सॉलिड सरफेस बाय द फ्लोइंग फ्लूइड। तो हमारे पास जो विस्कोसिटी होती है इन फ्लूइड्स वो रेफर करती है हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सॉलिड सरफेस बाय द फ्लोइंग फ्लूइड। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है इसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट बनता है, टेंजेंशियल फोर्स एक्सर्टेड ऑन सॉलिड सरफेस बाय द फ्लोइंग फ्लूइड। नेक्स्ट हमारे पास है टू, विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड दैट इज बीइंग डिफॉर्म्ड बाय ईदर शियर स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर विस्कस, हेयर, एयर, हनी, कैचअप और वाटर। तो पहले हमारे पास विस्कोसिटी के बारे में बताया गया और फिर पूछा गया हमारे पास कि इनमें से कौन सा हमारे पास ज़्यादा विस्कस होगा। तो इन सारों में से चार ऑप्शन में से जो हमारे पास सबसे ज़्यादा विस्कस होगा वो हमारे पास है ऑप्शन सी कैचअप। हनी भी हमारे पास विस्कस है मगर हनी से हमारे पास ज़्यादा जो है ऑप्शन सी है विस्कस। तो इसमें से हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्री, विच लास्टेड दैट द प्रेशर बीइंग प्रेशर चेंज इन अ कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द फ्लूइड एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये हमारे पास कौन सी लॉ की स्टेटमेंट है, ओम्स लॉ, पास्कल लॉ, किरचॉफ लॉ या न्यूटन लॉ। अब ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू आई आर है, वो हमारे पास वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस है। किरचॉफ लॉ हमारे पास किरचॉफ के दो करंट लॉ है, वोल्टेज लॉ है। न्यूटन के हमारे तीन लॉ है, वो मोशन के है। तो हमारे पास पास्कल लॉ जो है वो फ्लूइड के बारे में है। तो ये हमारे पास ऑप्शन थ्री जो पास्कल लॉ की स्टेटमेंट गिवन है, और पास्कल लॉ ऑप्शन बी है हमारे पास। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ एमसीक्यूज, ऑल लिक्विड सरफेसेस टेंड टू कंट्रैक्ट, दिस फिनोमेना इज ड्यू टू विस्कोसिटी, डिफ्यूजन, डेंसिटी और सरफेस टेंशन। तो जो हमारे पास जो सरफेसेस टेंड टू कंट्रैक्ट करते हैं, जो लिक्विड सरफेसेस होते हैं वो हमारे पास किस वजह से होते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से कंट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है इसमें हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज, विच प्रिंसिपल स्टेट दैट फॉर एन आइडियल फ्लूइड एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ फ्लूइड अकर साइमल्टेनियसली विद डिक्रीज एन फ्लूइड्स प्रेशर आर पी। तो ये हमारे पास कौन सी प्रिंसिपल के जो है स्टेटमेंट है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास क्या है कि आइडियल लिक्विड के लिए इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ फ्लूइड साइमल्टेनियसली विद अ डिक्रीज, ये हमारे पास है विद अ डिक्रीज इन फ्लूइड प्रेशर। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल की है। तो हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन का जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास करेक्ट बनता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स एमसीक्यूज है, द नेब ऑफ फाउंटेन पेन इज स्प्लिट टू कन्वे एंग डाउन द नेब बाई द फिनोमिना ऑफ एडहेशन, कोहेशन, ऑस्मोसिस और कैपिलरी। तो हमारे पास जो फाउंटेन पेन का नेप है वो हमारे पास एंक को डाउनवर्ड कन्वे करता है। तो ये हमारे पास जो फिनोमिना है ये हमारे पास कैपिलरी है, उसकी वजह से है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास द बयोन्सी, बयोन्सी डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ टू विच द बॉडी इज इमर्स्ड, ऑप्शन बी हमारे पास है शेप ऑफ द बॉडी, डी बी सी है हमारे पास मेस ऑफ द बॉडी और डी है हमारे पास मेस ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो जो बॉयंसी है ये हमारे पास डिपेंड करती है और मेस ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो इसमें से जो हमारे पास ऑप्शन डी है ये हमारे पास करेक्ट है कि मेस ऑफ द बॉडी, मेस ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है।
नेक्स्ट है हमारे पास विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट बियॉन्ड फोर्स ऑन अ सबमर्ज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. बर्नौलीज प्रिंसिपल, अर्शमीदस प्रिंसिपल, बोथ ऑफ अबाव और नन ऑफ अबाव. तो बर्नौलीज प्रिंसिपल हमारे पास क्या है कि प्रेशर हमारे पास एक जगह डिक्रीज होता है, एरिया इंक्रीज होता है, या हमारे पास इसमें से जो हमारे पास ये है कि वेट की बात हो रही है कि हमारे पास जो फोर्स बियॉन्ड फोर्स अन सबमर्ज ऑब्जेक्ट वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, जितना हमारे पास लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है, डिस्प्लेस्ड होता है. तो ये हमारे पास अर्शमीदस प्रिंसिपल की है. बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर एमसीक्यूज में पढ़ चुके हैं. तो ये हमारे पास फिर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, अर्शमीदस प्रिंसिपल. नेक्स्ट हमारे पास है बर्नौलीज इक्वेशन इंक्लूड्स स्पेशल केस ऑफ अर्शमीदस प्रिंसिपल, हुक्स लॉ, टोरिसेलीज लॉ और न्यूटन लॉ. तो बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो स्पेशल केस में जो इंक्लूड करती है वो हमारे पास क्या है, टोरिसेलीज लॉ है हमारे पास. तो ऑप्शन हमारे पास जो सी है इसमें करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है द वेंचुरी मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, फ्लो स्पीड ऑफ फ्लूइड और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड. तो जो वेंचुरी मीटर है वो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज होता है हमारे पास फ्लो स्पीड ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए. तो ऑप्शन जो हमारे पास सी है इसमें फ्लो स्पीड ऑफ लिक्विड, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो ऑफ फ्लूइड अकर व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज अबाउ अबाउट 1000, 2000, 3000 और 4000. तो हमारे पास जो टर्बुलेंट फ्लो कब हमारे पास फ्लूइड का अकर होता है, जब हमारे पास जो रेनॉल्ड नंबर है वो हमारे पास 3000 से अबाव हो. तो तकरीबन इससे अबाव तो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो फ्लूइड का होता है तब हमारे पास. तो ऑप्शन जो सी है हमारे पास इसमें से करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है 12. फ्लूइड फ्लोज लेमिनर फॉर रेनॉल्ड नंबर अप टू 500, 1000, 2000 और 4000. तो हमारे पास जो लेमिनार फ्लो के लिए है, फ्लूइड के फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, अप टू 2000 होना चाहिए. तो हमारे पास ऑप्शन जो क्या है, सी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें, तो 2000 ये हमारे पास लेमिनार के लिए है. और जो हमारे पास टर्बुलेंट के लिए था पिछले एमसीक्यूज में वो हमारे पास क्या था, 3000. तो 3000 टर्बुलेंट फ्लो के लिए और लेमिनार के लिए हमारे पास फ्लो के लिए 2000. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है 13. फॉर द बर्नौलीज थ्योरम टू बी अप्लाईकेबल द फ्लूइड फ्लो शुड बी रेशनल एंड कंप्रेसिबल, इरेशनल एंड इनकंप्रेसिबल. हमारे पास है चौथा इरेशनल और नॉन टर्बुलेंट कंप्रेसिबल और इरेशनल एंड इनकंप्रेसिबल. तो हमारे पास जो ऑप्शन इसमें करेक्ट है वो हमारे पास है इरेशनल एंड इनकंप्रेसिबल. तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन जो हमारे पास डी है इसमें से करेक्ट ऑप्शन है कि इरेशनल होना चाहिए फ्लूइड और हमारे पास क्या होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए. तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू एयर टू द स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर, मैक नंबर, एवोगैड्रो नंबर और फेजन नंबर. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है हम इस रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू एयर टू द स्पीड ऑफ साउंड इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन हमारे पास जो बी है मैक नंबर, ये हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है. नेक्स्ट हमारे पास है 15. सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड में बी डिफाइंड एज. तो सरफेस टेंशन को हम कैसे लिक्विड की डिफाइन करते हैं, हीट पर, हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया एनर्जी पर यूनिट एरिया और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया. तो इसको हम जब डिफाइन करते हैं, इसको हम क्या, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया है ऑप्शन जो सी है ये हमारे पास करेक्ट है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया. नेक्स्ट हमारे पास है 16. पाउडर क्लिंग्स टू द फेस ड्यू टू कंप्रेशन, कैपिलरी एक्शन, कोहेशन और एडहेशन. तो हमारे पास जो पाउडर होता है वो हमारे पास चेहरे के साथ क्यों चिपक जाता है, क्यों क्लिंग्स कर जाता है, वो हमारे पास किस फिनोमेना की वजह से होता है, वो हमारे पास है एडहेशन की वजह से हमारे पास होता है. तो ऑप्शन जो डी है हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है.
नेक्स्ट हमारे पास है 17. द आइडियल फ्लूइड मॉडल इज बेस्ड ऑन फोर एजम्पशन. ए है नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल, स्टेडी फ्लो नॉन टर्बुलेंट. बी ऑप्शन है विस्कस कंप्रेसिबल स्टेडी फ्लो टर्बुलेंट, नॉन विस्कस कंप्रेसिबल स्टेडी फ्लो टर्बुलेंट, नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो और टर्बुलेंट. तो जो आइडियल फ्लूइड मॉडल है जो हमारे पास जो फोर एजम्पशन पे बेस्ड है, फोर एजम्पशन हमारे पास वो है नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए फ्लूइड हमारे पास, स्टेडी फ्लो होना चाहिए और नॉन टर्बुलेंट होना चाहिए. नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो और नॉन टर्बुलेंट होना चाहिए. तो ऑप्शन जो ए है हमारे पास इसमें, ये हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन इसमें से बनता है. तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है. नेक्स्ट है हमारे पास अ बीकर इज फुल ऑफ वाटर विद एन आइस पीस फ्लोटिंग. द आइस पीस हैज अ लेड पीस इन इट. व्हेन आइस क्यूब मेल्ट्स देम वाटर ओवरफ्लोज, लेवल फॉल्स, लेवल रिमेन अनचेंज और नन ऑफ दीज. तो जब हमारे पास क्या है आइस क्यूब मेल्ट करेगा तो हमारे पास क्या होगा जो लेवल है वो फॉल कर जाएगा. तो लेवल फॉल्स ऑप्शन जो बी है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है द वेलोसिटी एट विच लेमिनर और स्टेडी फ्लो चेंजेस टू टर्बुलेंट और एडी फ्लो इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो ऐसी वेलोसिटी जिसमें हमारे पास जो है लेमिनर यानी स्टेडी फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है और एडी फ्लो में चेंज हो जाए, ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी. तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है हमारे पास द मैग्नस इफेक्ट इज इक्वेलेंट टू बर्नौलीज थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल और नन ऑफ दीज. तो जो मैग्नस इफेक्ट है वो भी हमारे पास जो रिलेट करता है वो हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन थ्योरम से रिलेट करता है. मैग्नस इफेक्ट भी हमारे पास यही है कि हम किसी भी चीज़ को जब थ्रो करें वो मूव करें कोई भी चीज़, स्पिनिंग जो मोशन होती है फ्लूइड में या एयर में, जैसे हम बाल को थ्रो करें एयर में स्पिन करके, तो वो हमारे पास मैग्नस इफेक्ट जो कि हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन की रिलेटेड है. उसी तरह हमारे पास प्रेशर और उसका डिक्रीज, एक चीज़ डिक्रीज करें दूसरी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, तो या हमारे पास प्रेशर, तो ये हमारे पास मैग्नस इफेक्ट जो है वो इक्वेलेंट है हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम के. तो ऑप्शन जो हमारे पास ए है करेक्ट ऑप्शन है इसमें. नेक्स्ट 21 है द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज इन्फिनिटी, यूनिटी, जीरो और 0.5. तो जो विस्कोसिटी होती है आइडियल फ्लूइड की वो हमारे पास क्या होती है जीरो. तो ऑप्शन जो हमारे पास क्या है सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें. नेक्स्ट हमारे पास है आउट ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम विस्कोसिटी इज ऑफ ऑक्सीजन, मरकरी, वाटर और ग्लिसरीन. तो इन सारों में से जो हमारे पास मैक्सिमम विस्कोसिटी है वो हमारे पास किस चीज़ की है ग्लिसरीन की. जो ऑप्शन हमारे पास डी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है. 23 MCQs है द इंटरनल फ्रैक्शन इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, टर्बुलेंस और नन ऑफ दीज. तो जो इंटरनल फ्रैक्शन होता है फ्लूइड के अंदर इसको हम क्या कहते हैं विस्कोसिटी में, सिंपली हम इसको क्या कहते हैं विस्कोसिटी. तो जो ऑप्शन हमारे पास ए है इसमें करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास 24 है द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज प्राइमरली फंक्शन ऑफ डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर और वेलोसिटी. तो जो हमारे पास एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है वो हमारे पास फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है. तो जो ऑप्शन हमारे पास बी है इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. नेक्स्ट हमारे पास 25 है फ्लूइड मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ फ्लूइड्स मूव एंड द फोर्सेस ऑन देम, एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्सेस और पोजीशन. तो फोर्सेस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. जो हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स है वो हमारे पास इज द स्टडी ऑफ हाउ फ्लूइड्स मूव एंड फोर्सेस ऑन देम. तो जो ऑप्शन सी है हमारे पास फोर्सेस, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है. 26 है हमारे पास बर्ड्स, प्लेन्स एंड बोट्स आर स्ट्रीमलाइन टू रिड्यूस टर्बुलेंस, थ्रस्ट, लिफ्ट और ड्रैग. तो जो बर्ड्स, प्लेन्स और बोट्स है स्ट्रीमलाइन होते हैं, क्यों, इसकी वजह क्या है हमारे पास टू रिड्यूस द ड्रैग, ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास, ताकि कम से कम इन पर फ्रिक्शन फोर्स लगे जिसकी वजह से इसकी स्पीड ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो इनकी. तो जो ऑप्शन हमारे पास डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें. नेक्स्ट हमारे पास है
any substance that can flow is solid, gas, liquid or fluid. तो कोई भी substance जो flow करे इसको हम क्या कहते होते हैं, liquid. तो any substance that can flow is called fluid. Sorry, क्या कहते हैं, fluid इसको कहते हैं. Any substance that can flow is a fluid. तो option हमारे पास जो D है वो हमारे पास correct option है. Next हमारे पास 28 है. The design of an air foil uses Archimedes principle, Bernoulli's principle, both of above or none of above. तो जो हमारे पास एयर फॉयल है वो क्या, कौन सा डिजाइन यूज करता है, वो हमारे पास बर्नौलीज प्रिंसिपल का जो डिजाइन है इसको हम बर्नौलीज प्रिंसिपल हम उसमें यूज करते हैं. तो जो ऑप्शन हमारे पास बी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें. 29 हमारे पास द फोर्स दैट मूव अ रॉकेट और अ प्लेन फॉरवर्ड इज कॉल्ड लेफ्ट, ड्रैग, टर्बुलेंस और थ्रस्ट. तो हमारे पास जो फोर्स हमारे पास रॉकेट या प्लेन को फॉरवर्ड मूव करती है इसको हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट. तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन जो डी है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें. नेक्स्ट हमारे पास है 30, विच प्रिंसिपल इज इन इफेक्ट व्हेन अ शिप डिस्प्लेसेस ओशन वाटर. बर्नौलीज प्रिंसिपल है, ओम्स लॉ है, पास्कल लॉज है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो हमारे पास प्रिंसिपल जो इफेक्ट करता है, अब इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितना प्रेशर अप्लाई करता है फ्लूइड पे उतना है फ्लूइड हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेस होता है. तो जो शिप डिस्प्लेस करता है ओशन में वाटर को वो हमारे पास किसके अकॉर्डिंग है, विच प्रिंसिपल इन इफेक्ट, तो वो हमारे पास क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है. तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है इसमें करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है 31, विच फोर्स पुशेस अप अ बॉडी इन अ फ्लूइड. थ्रस्ट, लेफ्ट, बोयोंट और प्रेशर. थ्रस्ट होता है वो हमारे पास अपवर्ड मूव करता है, पुश करता है बॉडी को जैसे प्लेन या रॉकेट को. लेफ्ट प्रेशर हो गया, फिर बोयोंट हो गया. तो इसमें से जो हमारे पास फ्लूइड में बॉडी को पुश करता है वो हमारे पास क्या होता है, बोयोंट फोर्स है. तो जो ऑप्शन हमारे पास सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है 32, व्हेन एयर मूव्स इन एयर फॉइल डैश इज जनरेटेड थ्रस्ट, लेफ्ट, ड्रैग और टर्बुलेंस. तो व्हेन एयर मूव्स इन एयर फॉइल लिफ्ट इज जनरेटेड. तो हमारे पास जब एयर एयर फॉइल को मूव करती है तो हमारे पास क्या जनरेट होता है, लिफ्ट, जिसको हम लिफ्ट कहते हैं. तो जो हमारे पास ऑप्शन बी है तो वो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है 33, द स्टडी ऑफ द डिफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ मैटर प्राइमरली इन द लिक्विड स्टेट. जो हमारे पास लिक्विड स्टेट में मैटर का फ्लो है, डिफॉर्मेशन है, इसको स्टडी करते हैं कौन सी ब्रांच में, रियोलॉजी है, जियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी. तो इसमें से जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, जियोलॉजी हमारे पास देखो जियो जमीन को कहते हैं, अर्थ की स्टडी होती है, कॉस्मोलॉजी कॉस्मोस की स्टडी हमारे पास जो होती है, फिजियोलॉजी हो गई हमारे पास. फिर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास रियोलॉजी है. तो जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन बनता है. नेक्स्ट हमारे पास है 34, एंड फ्लो थ्रू अ स्ट्रेट स्मूथ पाइप द क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर फॉर द ट्रांजिशन टू टर्बुलेंस इज जनरली टेकन टू बी 1500 है, 2200 है, 4000 है, 10000 है. तो हमारे पास रेनॉल्ड नंबर को जो हमारे पास ट्रांजिशन के लिए यूज होता है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रेट फ्लो से टर्बुलेंस में जनरली जो टेक होता है वो हमारे पास 2300 है या 2300 है. रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 2300 होगी. तो जो ऑप्शन हमारे पास बी है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है 35, माइनर लॉसेस थ्रू वॉल्व्स, फिटिंग, बैंड्स एटसेट्रा और मॉडल एज प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी हेड, स्टैटिक हेड, टोटल हेड और प्रेशर ड्रॉप. तो हमारे पास जो माइनर लॉसेज होते हैं वॉल्व, फिटिंग या बेंड्स के थ्रू वो हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, मॉडल एज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हेड्स. तो वो हमारे पास वेलोसिटी हेड्स के प्रोपोर्शनल होते हैं. जो ऑप्शन ए है हमारे पास वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें. नेक्स्ट हमारे पास 36 है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द एंगल ऑफ कंटेक्ट ऑफ लिक्विड इंक्रीज, डिक्रीज, बिकम जीरो, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज. तो इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ हमारे पास जो एंगल ऑफ कंटेक्ट ऑफ लिक्विड होता है वो भी हमारे पास क्या करता है, इंक्रीज करता है. तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है इसमें वो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए.
ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। हमारे पास 37 है। अ गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, और डी ऑप्शन हमारे पास है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो जो हमारे पास गैस बिहेव करता है आइडियल गैस, उसके लिए हमारे पास क्या जरूरी है कि हमारे पास जो गैस का जो टेम्परेचर हो वो हाई हो और प्रेशर लो हो, यानी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो जो हमारे पास ऑप्शन ए है इसमें वो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास 38 है। द कलर ऑफ अ स्टार एज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स साइज, वेट, टेम्परेचर और डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। तो जो स्टार का कलर होता है वो हमारे पास चेंज होता रहता है, वो हमारे पास फिर उसके टेम्परेचर से रिलेट करता है। तो द कलर ऑफ स्टार इज द इंडिकेशन ऑफ टेम्परेचर, के जब स्टार कलर चेंज करता है तो उसमें के टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज को शो करता है वो। तो ऑप्शन जो सी है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 39। व्हाट इज मेजर्ड बाय अ बोलोमीटर, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, हीट रेडिएशन और ईएमएफ। तो जो बोलोमीटर से हम मेजर करते हैं वो हमारे पास क्या है, हीट रेडिएशन। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है इसमें वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि बोलोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, हीट रेडिएशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है 40। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ स्टीफन्स लॉ, वाइन्स लॉ, क्रूचिफ लॉ और प्लैंक्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो हमारे पास स्पेशल केस है स्टीफन्स लॉ का। तो जो ऑप्शन ए हमारे पास है इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 41। व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, 1-1, 0 और इन्फिनिटी। तो जो ब्लैक बॉडी का हमारे पास एब्जॉर्प्शन पावर है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, तो वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो ब्लैक बॉडी का हमारे पास जो पावर है एब्जॉर्प्शन पावर वो 1 है। तो ऑप्शन जो ए हमारे पास वो इसमें से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 42 है। द स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज लाइन, बैंड, कंटिन्यूअस और नन ऑफ अबव। जो ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रल लाइन होते हैं हमारे पास वो हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो जो ऑप्शन हमारे पास सी है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि कंटिन्यूअस फॉर्म में ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम होते हैं। तो ये थे आज के हमारे पास MCQs फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कम्पिटेटिव टेस्ट के लिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा ये हमारे पास तीसरा लेक्चर था MCQ सीरीज़ का, फिजिक्स MCQ सीरीज़ का। तो इसके अलावा अगर बाकी दो आपको वीडियो की जो लिंक है लेक्चर 1 के और लेक्चर 2 के, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा PPEC की जो पास्ट पेपर के सोल्यूशन है उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और इसके अलावा अगर आपको ये PDF में चाहिए तो बहुत जल्द मैं अपने वेबसाइट पे अपलोड कर लूँगा इनको PDF के फॉर्म में, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो MCQ सीरीज़ के नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।